वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग बिहारी बैक बेंचर्स। क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने ब्रीदिंग की बात कर ली थी। टू सम अप वेरी ब्रीफली, ब्रीदिंग इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एरोबिक ब्रीदिंग की बात करें, वैसी ब्रीदिंग जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, तो इसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इतनी सी बात हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कर रखी है, इसके पार्ट वन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस गो थ्रू इट वंस। सो प्रोसीडिंग फर्दर, अब जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, तो बीच में कुछ प्रोसेस तो हो रहा होगा ना, यूजलेस तो नहीं होगा ये ऑक्सीजन का हमारे अंदर जाना। तो उस ऑक्सीजन का होता क्या है अंदर और ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कहाँ से हो जाता है, इसकी बात हम आज के डिस्कशन में करेंगे। सो आपने सुना होगा या आपने अक्सर डांट खाई होगी अपने पेरेंट्स से कि खाना ठीक से खाया करो, एनर्जी मिलेगा तभी पढ़ाई में मन लगेगा, खेल पाओगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। सो बेसिकली खा हम लोग खाना रहे हैं और मिल एनर्जी रहा है। सो हाउ दिस प्रोसेस इज being done inside ourselves. The food that we take is converted in the form of energy, the energy that is required by us to perform everything, each and everything, basic functions जैसे उठना, बैठना, सोचना, survive करना से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे दौड़ना, पढ़ाई करना, mountain climbing करना, अनेक तरह की physical activities करना, इन सारी चीज़ों में energy की ज़रूरत होती है और यह energy food के breakdown से मिलता है। बट द कैच हियर इज़, यह फूड अपने आप ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा, इसको ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो तो। तो होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, और विस्तार में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सेल चैप्टर पढ़ रहे होंगे। बट फॉर नाउ हमारा जो बॉडी है वह सेल्स के मिलने से बना है, एक एक सेल मिल करके कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है हमारे बॉडी को। तो अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है, दैट सिंपली मींस कि हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हम कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मींस हमारा जो सेल है वो भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमारा डाइजेशन, हमारे अंदर डाइजेशन होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटास जो हैं वो जनरेट होते हैं हमारे अंदर। तो ये सारी चीज़ें एज अ होल ही हमारे अंदर ना हो करके हर एक सेल में होती हैं और हर सेल को एनर्जी चाहिए इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो उन सेल तक जाता है, जो फूड हमने कंज्यूम कर रखा है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के मिलने से वह ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और फिर इस प्रोसेस में रिलीज़ होगा कुछ एनर्जी जो यूज़ किया जाता है हमारे द्वारा। अब क्योंकि यह प्रोसेस सेल्युलर लेवल पर हो रहा है, तो वी कैन डिफाइन सेल्युलर रेस्पिरेशन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू काइंड्स, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तब वह प्रोडक्ट में क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और रिलीज करेगा कुछ एनर्जी को। यह कार्बन डाइऑक्साइड ही हम एक्सहेल आउट करते हैं। अगेन, सारे ऑर्गेनिज्म्स में ये प्रोसेस सेम नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग एनएरोब्स कहते हैं और इस तरीके के रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब होना वही है कि ग्लूकोज को टूटना है, बट क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स दैट वी के गेट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो इसको इन इक्वेशंस के थ्रू समझा जा सकता है, ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल गिव द प्रोडक्ट दैट इज H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट इफ दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी विल गेट द प्रोडक्ट्स एंड दे आर एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ये तो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई ऑर्गेनिज्म्स की, जिनमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन और जिनमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, वी बीइंग एरोब्स, हमारे अंदर हमारे सेल्स के पास भी कभी कभी सफिशियंट ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है उनको, तो वो
ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी में भी रेस्पायर करते रहते हैं। इसको ऐसे समझिए, वाइग्रस एक्सरसाइज के टाइम में के बाद आप ऑब्जर्व करते होंगे कि आपके मसल्स में क्रैम्प्स हो गया है। तो वो क्रैम्प्स क्यों हो जा रहा है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, लगातार एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, बट उस पेस में हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। बट एनर्जी तो उसको चाहिए क्योंकि फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। अब हमारे टिश्यूज़ में या हमारे सेल्स में, फॉर एग्जांपल जो हमारे मसल सेल्स हैं, उसमें अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायरेशन हो रहा है, तो जो ग्लूकोज को टूटना था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वह कार्बन डाइऑक्साइड में ना टूटकर लैक्टिक एसिड में टूटेगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो यह एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो फिजिकल वर्क है उसके टाइम पे। बट अगेन कीप रिमाइंडेड कि यह जो प्रोसेस है वो कम ही टाइम पे, कम ही शॉर्ट ही ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। सो दैट्स द बेसिक रीज़न कि हमारे मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का स्टोरेज शुरू हो जाता है काइंड ऑफ। फिर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप उस क्रैम्प्स से रिलीफ पाने के लिए आप कोई भी ऐसा ही प्रोसेस यूज़ करते हैं जिससे कि उस जगह पे सर्कुलेशन हो। फॉर एग्जांपल या तो हम लोग जेंटल मसाज लेते हैं वहाँ, या फिर हॉट वाटर बाथ लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है, इन टर्न वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशियंट मिल जा रहा है। तो अब जो ग्लूकोज टूट गया था लैक्टिक एसिड में, वह लैक्टिक एसिड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड वी विल गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प्स। सो दिस वॉज बेसिकली ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में यह अलग अलग तरीके से होता है, और ब्रीदिंग के भी बहुत अलग टाइप्स हैं। मतलब किस ऑर्गेनिज्म्स में हो रहा है उसको थ्रू एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।